नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट फ्यूचर्स और बाजार पे आज जोरदार तेजी। देखिए, इस हफ्ते जो एक ड्रॉप आया था उसको एक ही दिन में अब्सॉर्ब किया मार्केट पे। स्ट्रॉन्ग आज डेटा पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं और टेक्निकल भी देखें तो आज काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं। पिछले कुछ चार दिनों की जो मंदी बनी थी उसको एकदम से मार्केट अब्सॉर्ब करके अब 8651 के लेवल पे है। निफ्टी 1% ज़्यादा उछल गया, सेंसेक्स में 1% की रफ्तार, और साथ साथ निफ्टी बैंक में रिटर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2% की तेज़ी स्मॉल कैप मिड कैप पे तो आज रफ्तार पकड़ी हुई है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस के फ्यूचर्स के भी आंकड़े देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखिएगा निफ्टी फ्यूचर्स पे। आज 10 लाख शेयर से ज़्यादा का एडिशन, 4.5% स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन आज के सत्र में देखने को मिला, 1% की तेज़ी निफ्टी फ्यूचर्स में, और साथ ही साथ अब 8700 के लेवल के बेहतरीन कामकाज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ऑप्शंस फ्रंट पे देखिए, 8600 की कॉल जो है उसमें जो राइटिंग हुई थी आज कवरिंग हो गई, ओपन इंटरेस्ट शेड होता हुआ नजर आया 8600 की कॉल पे। आज लगभग 2.5 लाख शेयर्स घटे हैं और यही हाल 8700 की कॉल पे भी है। आज प्रीमियम्स काफ़ी स्ट्रांगली 43% प्रीमियम्स में बढ़त, और ओपन इंटरेस्ट देखिए 5 लाख शेयर्स घटे हैं सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं आज बैकफुट पे हुए राइटर्स जिन्होंने कॉल राइट की थी, और पुट पे आज ज़बरदस्त तरीके से राइटिंग होती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ गौरव बिस्सा साहब मौजूद है। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, निफ्टी पे सबसे पहले स्ट्रैटेजी बताएं, अब इन लेवल्स पे यहां से क्या अभी और तेज़ी देखते हैं, क्योंकि अभी भी हम पिछले हफ्ते के क्लोज के ऊपर निकले हैं आज, तो क्या यहाँ से अभी तेजी बनानी चाहिए? बुरा फंड देखिए, जब 100 पॉइंट की तेजी हो चुकी है और वीकली क्लोजिंग थोड़ा पॉजिटिव आ रही है, मेरे हिसाब से यहाँ से 50-60 पॉइंट खेलने का और खेल सकते हैं, या अराउंड अबाउट 8750 थोड़ा उसको स्ट्रेच किया जाए, वहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आने की उम्मीद है, संभावना है। यहाँ पे नहीं, लेकिन अगर एक 10-1 पॉइंट का अगर ड्रॉप मिलती है निफ्टी में 10-15 पॉइंट्स का डिप अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं। 8610 का उसमें स्टॉप्स होंगे, 8700 8720 के उसमें लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मैं अग्रेसिव ट्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप देखिए 8580 स्पॉट लॉस में काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल है, तो ये डिप्स अगर थोड़े ओवर लेवल तक आती है तो आपको रिस्पॉट काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा, अदरवाइज 8750 तक आने के तक मुझे लगता है एक बार एक्सोशन आना शुरू हो जाएगा। राइट, वैसे तो लवलेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। लवलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, मार्केट्स पे आपकी अप्रोच बताएं, क्या लगता है यहाँ से तेजी भी और बढ़ेगी? जी, गुड आफ्टरनून अजीत जी। बिल्कुल, जो ओवरड्यू करेक्शन था चार्ट से, मेरे ख्याल से काफी कुछ हो गया है। आवर्ली चार्ट में एक ब्रॉडनिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ से ऑफकोर्स मेरी बाय लिस्ट की सलाह रहेगी ऊपर में। मैं समझता हूँ 8740 तक की हम और तेजी देख सकते हैं, नीचे में 8590 एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। रैली एक फ्लैग पार्टी का ब्रेकआउट दिया है, मेरे ख्याल से आने वाले समय में 144-145 तक का लक्ष्य देख सकते हैं। नीचे में 139-130 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हो चुका है, पहले भी एक्सपर्ट ने अभी बताया था कि हिंडाल्को में खरीदारी करें, मैं समझता हूँ कि मेटल पैक पूरा पैक काफी शानदार लग रहा है, और टाटा स्टील मेरी उसमें से पसंद रहेगी जिसके अंदर एक लॉन्ग कॉल लेने की सलाह होगी। 372 के टारगेट के साथ टाटा स्टील जिसके अंदर एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है उसे लॉन्ग करेंगे, ऊपर में 394 तक के लेवल्स एक दो दिन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, हिंडाल्को हो गया, टाटा स्टील, तो मेटल्स पे कहीं ना कहीं व्यू पॉजिटिव निकल के आ रहा है, और वो इसलिए भी क्योंकि आज ओपन इंटरेस्ट में बढ़त बहुत स्ट्रॉन्ग है मेटल स्टॉक्स में। बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। स्वाति जी जुड़ी हमने बैंक से, स्वाति जी आप बताएं निफ्टी पे स्ट्रेटजी। निफ्टी पे मेरा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव, अगर कल हम लोग का रैली देखिए 8500 इज एक्टिव एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। कल लास्ट हाफ एन आवर में जो बाउंस बैक रैली दिखी थी फ्रॉम 8500 वो काफी स्ट्रॉन्ग रैली थी ऑन अ बैंक निफ्टी साइड एज वेल एज निफ्टी साइड। आज भी ओपन होने के बाद भी निफ्टी काफी कंसोलिडेट हो रही है एंड स्ट्रेंथ के साथ अपसाइड जा रही है। अभी ये लेवल पे बाइकॉन लेनी चाहिए, 8600 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, अपसाइड टारगेट विल बी 8740। ओके, एक स्टॉक बताएं मैम जहां पर इस समय बेट लगानी पॉजिटिव साइड पे ठीक रहेगी। जेट एनर्जी काफी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है ऑन टेक्निकल स्ट्रक्चर्स या सेटअप पे,
585 काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है फ्रॉम द लास्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशंस. हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि इंडिकेट करता है कि काफी बुलिश साइन है. फॉलिंग का बैंड भी अगर देखे तो अपसाइड बैंड में चल रहा था, क्योंकि ये स्टॉक में पोटेंशियल है 620 अपसाइड जाने के लिए. नीचे में स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 585 फॉर अ टारगेट ऑफ 620-630 ऑन अपसाइड. राइट, बहुत शुक्रिया मैम मेरे साथ जुड़ने के लिए. तो अभी तक निफ्टी पे सभी कॉल्स जो है वो प्लस आई हैं. स्टॉक्स आए हिंडाल्को, टाटा स्टील और जेट एयरवेज, ये कुछ स्ट्रक्चर्स जो इस समय एक्टिव हो सकते हैं. सभी तेजी की कॉल्स हैं और बाजार में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ से शॉर्ट करना एडवाइजेबल नहीं है. ऊपर से यूरोपियन मार्केट जो ओपनिंग हुई है आज, वो हरे निशान में होते हुए नजर आई है. कल के सत्र में भी काफी स्ट्रांग एक्यूमुलेशन इसलिए थी क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में कटौती कर दी 25 बेसिस पॉइंट्स के, उसका रिएक्शन है. और आज भी जो ओपनिंग हुई तो 21 पॉइंट्स के बढ़त डैक्स में देखने को मिल रही है. कैक फुटसी सभी में ही हरे निशान में काम काज हो रहा है. कैक इनफैक्ट अब आधे फीसद से ज्यादा की स्ट्रेंथ शो कर रहा है. लेकिन आज जो तेजी है निफ्टी बैंक, गौरव जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका निफ्टी बैंक पर क्या किया जाए, क्या लगता है यहाँ से तेजी भी और बढ़ेगी? ये लग तो रहा है क्योंकि 18,700 अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल है स्पॉट लेवल्स में, और ये सस्टेन अगर होगा तो फिर से आपको यहाँ से 200-300 पॉइंट की एक अपसाइड देखने मिल सकती है. तो हम यहाँ से आप ट्रेड बिठाना चाहे तो 18,750 के स्टॉपों से बाय कर सकते हैं. चलिए, और कुछ आज निफ्टी गेनर्स में ग्रासिम, एसबीआई, हीरो मोटोकॉप, आयशर, बजाज ऑटो, आईसीआईसी बैंक. बैंकिंग के अलावा ऑटो पैक में दमदार रिटर्न्स मिल रहे हैं आज. फैक्ट सर, दो स्टॉक्स हीरो मोटोकॉप और बजाज ऑटो, क्विक रिएक्शन यहां पर क्या, यहां से अभी ये दोनों ही स्टॉक्स जो टू व्हीलर पैक है ये एक्टिव हो सकता है? हीरो मोटो मुझे लगता है कि यहां से मतलब रैली हो सकती है, लेकिन फ्रेश एंट्री यहां पर थोड़ी रिस्की हो सकती है. अगर यहां से 1% अगर फॉल आती है तो आप बाय करेंगे तो आपका रिस्क थोड़ा बेटर होगा. बजाज ऑटो मुझे लगता है कि यहां से थोड़ा बहुत आप फिर भी एक बार देख सकते हैं. यहां पर अगर कोई बाय करता है तो 2800 के स्टॉप से यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं. 8646 के लेवल पे है मार्केट, दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब. पुष्कराज कनकर जी मेरे साथ जुड़े हैं जीपीएल कैपिटल से, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे माहौल में कौन से ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन जहां पर कमाई का मौका है. पुष्कराज नमस्कार, बताएं कौन सा स्टॉक ऑप्शन चुनेंगे? जी बजाज ऑटो ने एक काफी दिनों के बाद 52 वीक हाई भी तोड़ा है और काफी स्ट्रेंथ अभी भी दिखा रहा है, तो इसके चलते हुए हम 2850 की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं. करीब 65 रुपए तक ये कॉल आएगी. ये खरीदने के बाद ऊपर में लग रहा है कि शायद 2920-2930 तक की लेवल अपने ट्रेड में दिखाई देगी. साथ ही साथ कॉल की वैल्यू भी करीब करीब आप मान के चल सकते हो करीब 105-110 तक जाएगी. और नीचे की तरफ इसमें 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना लाजमी होगा इन सिनारियो जहाँ की मार्केट और साथ ही साथ बजाज ऑटो करीब 2770-2750 के नीचे आता है. चलिए, तो आप मानते हैं बजाज ऑटो चढ़ेगा, और यही बात हो रही थी कि टू व्हीलर स्टॉक्स में आज काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है. बहुत शुक्रिया, 2850 की कॉल 65 रुपए में खरीदने 105 रुपए के टारगेट के लिए. लेकिन गौरव जी आपके रडार पर कौन से 3 स्टॉक्स हैं सर? देखिए यहाँ पे पहला एक होगा कैस्ट्रोल में बाय होगा, और ऑलरेडी बढ़ चुका है स्टॉक, 420 के स्टॉप से बाय कर सकते हैं और आपको 443 देखने मिल सकते हैं. थोड़ी बहुत शॉर्ट करने का सिलसिला शुरू हो चुके हैं. दूसरा है कैडिला हेल्थ केयर, इसमें काफ़ी अच्छे लॉन्ग्स बनते जा रहे हैं, अच्छे बाउंस पे कई चीज है. इसका लॉन्ग शुरू थे अग्रेसिव 345-350 के आसपास से, वहीं से एक अच्छी शुरुआत हुई वापस स्टॉक की और लॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है. साथ में ब्रेकआउट के कगार पे है, मेरे हिसाब से आप 390-400 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं स्टॉपर्स होगा. और एक सोल सेल रिकमेंडेशन होगा वो है मैनिक डबल मैड स्प्रिट्स में, जहाँ पे काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स वाला बने हैं, वो 2150 का स्टॉपर्स होगा, टारगेट होगा 2060 के स्टॉपर्स उसको सेल कर सकते हैं. चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो बहुत एक्यूमुलेटेड आज के सत्र में, दो स्टॉक्स सर, एक तो इनफैक्ट पूरा ही सेक्टर बज कर रहा है टायर स्टॉक्स, अपोलो टायर, सीएट, एमआरएफ, कोई स्टॉक जो इसमें से चूज किया हो आपने सर? हम अपने प्लान्स ऑलरेडी उस पर दे चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए टायर स्टॉक्स की यहाँ पे ले लेंगे तो एक जो अच्छा लग रहा है वो सीएट है. यहाँ पे अगर 900 सस्टेन कर लेगा तो 895 के स्टॉक से आप 935 के टारगेट के लिए ले सकते हैं सीएट. और अपोलो टायर अच्छा है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका ऑप्शन के जरिए, अगर 1 डे का ऑप्शन आप अगर खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से वो आप थोड़ा ज़्यादा अल्फाग्रीड कर सकते हैं, थोड़ा सेफर भी रहेगा ये, तो वो आप कर सकते हैं. भारत फोर्ज नतीजे आए और नतीजों के बाद से ही देख रहे हैं कि निचले स्तर से बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड है ये स्टॉक. आज जिस तरीके की तेजी बनी है, क्या इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं जिन्होंने पोजीशन बनाई है आज? पोजीशन बनाई है तो कैरी जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये भी रखिए कि एक ट्रेडिंग स्टॉपर्स लगा लीजिए. अगर यहाँ से अगर सस्टेन नहीं हुआ तो 745 का ट्रेडिंग स्टॉपर्स लगा लीजिए. ऊपर में आपको 770 काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल होता है, अगर 770 के ऊपर ट्रेड होता है या क्लोजिंग आती है तो आप इसमें और फ्रेश लॉन्ग्स वगैरह जा सकते हैं, तो आपको 800 के आपको स्टॉक लेके जाएगा, यहाँ पे फिर कर सकते हैं.
और साथ ही सीमेंट स्टॉक्स में क्या करें, इंडिया सीमेंट, ग्रासिम, अल्ट्रा टेक, ACC, कोई स्टॉक जो आपके रडार पर है? देखिए फ्रेश इंडेक्स थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट हो जाता है, अल्ट्रा टेक मेरा ग्रासिम तो काफी मूव कर चुका है, तो वहाँ मेरे हिसाब से भी ज़्यादा पोजिशन बनने की गुजरश नहीं रही। हाँ जो अच्छा लग रहा है वो है इंडिया सीमेंट, अच्छा लग रहा है, 115-116 के स्टॉक से आप बाय कर सकते हैं, 130 तक कर सकते हैं। चलिए और साथ ही साथ ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फिर से सीरीज की शुरुआत में बहुत एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, HPCL और IOC दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू? HPCL में जस्ट अबाउट से मूवमेंट आना शुरू हुआ है, मैं ये कहूंगा भले 3% ऊपर है, कल इसमें काफी अच्छा एक अग्रेसिवली शॉर्ट्स बंदो देखे गए थे, तो आज शॉर्ट कवरिंग के लिए स्टॉक ऊपर आया है, और यहाँ पे अग्रेसिव पोजीशंस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन किसी को अगर बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, इसमें आप एक 10-12 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, 12:45 करीब चल रहा है, तो अगर 1230 के स्टॉप लॉस लगेगा ऊपर आपको 1280 तक लेवल आपको एक बार देखने मिल सकता है। IOC थोड़ा स्लो मूवर है यहाँ पे और कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में ही है, तो थोड़ा उसमें रिट्रेसमेंट आएगा तो आप उसमें बाय करना बेहतर होगा, यहाँ पे फ्रेश एंट्री उतनी मुनासिब नहीं है। और मेटल स्टॉक्स में वेदांता और हिंडाल्को दोनों ही स्टॉक्स आज मार्केट में बस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।